भदोही जिले से बड़ी खबर है, जहां भदोही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अंतरजनपदीय सातिर लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। सुनील भार नामक अंतरजनपदीय लुटेरा दुर्गागंज थाना क्षेत्र के ख्योखर नहर पुलिया में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर भदोही जिले से बता रहे हैं। प्रयागराज जिले के सराय ममरेस थाना क्षेत्र के मरहच्छा गांव का निवासी है सुनील, 25,000 रुपए का इनामी है। दुर्गागंज सुरियामा और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी की है। विंध्याचल मंडल के उप पुलिस महानिरीक्षक और भदोही की एसपी ने 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। पुलिस टीम को यह पुरस्कार मिलेगा तो भदोही पुलिस की बड़ी सफलता है ये। पुलिस के मुताबिक सुरियामा थाना क्षेत्र के विजयीपुर में ग्राहक सेवा केंद्र पर संचालिका को तमंचे से आतंकित कर काउंटर में रखा कैश लेकर भाग गए थे लुटेरे। क्या बोले हैं भदोही के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सुनते हैं। देखिए, आज इलाहाबाद प्रयागराज में एक घटना हुई थी, उसको घटना के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों का आदेश था पूरे बॉर्डर को सील करके चेकिंग करने का। थाना दुर्गागंज सुनियावा और ऊंच जो भी बॉर्डर के जितने थाने हैं ये सभी लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे दुर्गागंज की तरफ से। चेकिंग के दौरान एक दो मोटरसाइकिल सवार गुजरे तो इनके द्वारा जो है रोकने का प्रयास किया गया। वो वापस मुड़ के इस तरफ भागे, इन्होंने वायरलेस पर सूचना मैसेज किया और आगे जो है बसुआपुर चौराहा पड़ता है उस तरफ जो है थाना प्रभारी सुरियामा इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ करके इस तरफ किया, दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आते देख पुलिस की गाड़ियाँ ये इस तरफ दाहिने तरफ भागने की कोशिश की। उस भागने में दौरान डिसबैलेंस होकर के ये गिरे और जब गिरते इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया गिरता देख करके। इसमें एक गोली जो है थाना तक सुरियामा के गाड़ी पे भी लगी हुई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम सुनील सरोज है जो प्रयागराज मरछा गांव का है, थाना सराय ममरेज पड़ता है, मरछा गांव के रहने वाला है। और ये दोनों ही बदमाश जो है अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में एक विजयपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट किया था, उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था और दोनों पे 25,000 का रिवार्ड था। उसमें एक साथी इनका जो भागा है उसका नाम इन्होंने जो बताया है वो राम पूजन सरोज बताया है।